हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मैंसन करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ। जॉन एंथनी चेयरमैन हैं द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, या ऑप्शन बी द ग्लोबल इंडिया, या ऑप्शन सी द टिन इंटरनेशनल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रेडिसेसर ऑफ गॉल्सवर्दी। ही वाज। इब्सन डॉल्स हाउस को लिखा, जो गॉल्सवर्दी जी के प्रेडिसेसर थे। ही वाज, वो थे। ऑप्शन ए नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन बी आयरिश ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन सी एन अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इब्सन कहाँ के ड्रामाटिस्ट थे, नॉर्वेजियन, आयरिश, अमेरिकन या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रेडिसेसर ऑफ गॉल्सवर्दी। ही वाज नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, इन लॉयल्टीज मेबल इज द वाइफ ऑफ। इन लॉयल्टीज मेबल इज द वाइफ ऑफ। लॉयल्टीज में मेबल किसकी वाइफ हैं, डेंसी, गिलमैन, फाल्डर या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर थ्री को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थ्री, लॉयल्टीज में जो मेबल हैं, डेंसी की वाइफ हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वंस अगेन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, गॉल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गॉल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा वर्क है, द पैट्रिशियन, द फ्रीलांस, द फोर्थसाइट सागा या फिर फ्रेटर्निटी? क्वेश्चन नंबर फोर को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फोर, रिस्पॉन्स इमीडिएटली, गॉल्सवर्दीज मास्टर पीस इज। गॉल्सवर्दी का मास्टर पीस है फोरसाइट सागा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोरसाइट सागा के लिए ही गॉल्सवर्दी जी को 1932 1932 में नोबेल प्राइज मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच प्ले इज एन अटैक अपॉन द प्रेस। कौन सा प्ले है जो प्रेस पर अटैक है, द शो, द स्किन गेम, द मूव, द स्ट्राइफ? क्वेश्चन नंबर फाइव को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? गॉल्सवर्दी जी का कौन सा प्ले है जो प्रेस पर अटैक करता है, द शो, द स्किन गेम, द मूव, द स्ट्राइफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें,
वंस अगेन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर द शो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स करिए। हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, हुएर डज दिस लाइन अपीयर, ए फेमस लाइन गर्ल्स वर्दी के किस वर्क की है, द रूफ की है, द स्क्रीन गेम की है, द विंडोज की है, या फिर द ऑप्शन डी पिजन की है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, ए फेमस लाइन किस वर्क की है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, द रूफ, द स्क्रीन गेम, विंडोज, द पिजन, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, विंडोज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले, वेलविन नाम का आर्टिस्ट किस प्ले में आता है, द स्क्रीन गेम में आता है, द सिल्वर बॉक्स में आता है, द पिजन में आता है, या फिर स्ट्राइफ में आता है। क्वेश्चन नंबर सेवन को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेवन रिस्पॉन्स इमीडिएटली, वेलविन नाम का आर्टिस्ट किस प्ले में आता है, द स्क्रीन गेम, द सिल्वर बॉक्स, द पिजन, द स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, द पिजन इज द राइट आंसर, द पिजन में वेलविन नाम का आर्टिस्ट आता है। ओके ये जो प्ले है 1912 में आता है। ओके क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, द पिजन किस नोबेल का रूपांतरण है, द पिजन जो कि प्ले है किस नोबेल का ये रूपांतरण है या ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, वर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, अबाउट व्हिच डज गार्ल्सवर्दी टॉक हियर, बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, गार्ल्सवर्दी जी किसके विषय में ये चर्चा करते हैं, बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉसलिन, द सिल्वर बॉक्स, द फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर एट को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, गार्ल्स वर्दी जी अपने किस वर्क को बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट की बात करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रॉम द फोर विंड्स, ए गार्ल्स वर्दी जी का फर्स्ट वर्क है जो 1897 में आता है और ये अनसक्सेसफुल रहता है, क्या रहता है, अनसक्सेसफुल रहता है। ओके तभी गार्ल्सवर्दी जी से कहते हैं बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, इसको जला दो मुझ पर एहसान होगा। ओके इसी वर्क को गार्ल्सवर्दी जी माय फर्स्ट सिन भी कहते हैं, माय फर्स्ट सिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन रिस्पॉन्स इमीडिएटली, नेम द पोएम इन विच वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्लॉयटेड हिज गिफ्ट फॉर द इगोटिस्टिकल सबलाइम, रिस्पॉन्स करिए, ओ टू ड्यूटी, टिंटन अवे रिक्लूज, या फिर द प्रल्यूड, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर क्या होगा, ओ टू ड्यूटी, टिंटन अवे, द रिक्लूज, द प्रल्यूड। द प्रल्यूड वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है
ये 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में इनके मरणोपरांत ये पब्लिश होता है इनकी वाइफ मैरी हचिनसन जी के द्वारा। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्रल्यूड इज द राइट आंसर। 9 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द प्रल्यूड। नेम द पोएम इन व्हिच वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्लॉयटेड हिज गिफ्ट फॉर द इगोटिस्टिकल सबलाइम। राइट आंसर हो जाएगा द प्रल्यूड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इसका जो टाइटल है द प्रल्यूड, इनकी वाइफ मैरी हचिनसन जी ने दिया। इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये भी इनकी वाइफ मैरी हचिनसन जी ने दिया। द प्रल्यूड को ही पोएम टू कॉलरिज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द प्रल्यूड को ही पोएम टू कॉलरिज कहा जाता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जी ने जब इस पोएम को कंपोज किया था तो सिंपली इसको कोई टाइटल नहीं दिया, इसको पोएम टू कॉलरिज ही कहा था। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क है वर्ड्सवर्थ जी का जो कॉलरिज को डेडिकेट है, तो आंसर हो जाएगा द प्रल्यूड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जी को पोएम्स को कंपोज करने के लिए किसने इंस्पायर किया? कॉलरिज, अलेक्जेंडर पोप, विलियम टेलर, जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? वो कौन सा पोएट है जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ जी को पोएम को कंपोज करने के लिए प्रेरित किया? क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विलियम टेलर इज द राइट आंसर। विलियम टेलर जो हैं इनके टीचर हैं। ओके, विलियम टेलर जी वर्ड्सवर्थ जी को पोएम को कंपोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द फेमस प्रेफेस एडेड टू लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स में प्रेफेस कब ऐड किया गया? 1800, 1798, 1802, 1805। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। लिरिकल बैलाड्स में प्रेफेस कब ऐड किया गया? 11 को रिस्पॉन्स करिए। लिरिकल बैलाड्स में टोटल 23 पोएम्स हैं, ध्यान रखिएगा, 4 पोएम्स जो हैं कॉलरिज की हैं, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ जी की हैं। टोटल पोएम 23 हैं, 4 पोएम्स कॉलरिज, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ। ओके, लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है, 1798 में। प्रेफेस जो ऐड किया जाता है 1800 में ऐड किया जाता है, 1800 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिरिकल बैलाड्स के टोटल 4 एडिशन आते हैं, फर्स्ट एडिशन 1798, सेकेंड एडिशन या फिर प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800 में हो जाएगा सेकेंड एडिशन, 1802 में हो जाएगा थर्ड एडिशन, 1805 में हो जाएगा फोर्थ एडिशन। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 4 एडिशन आते हैं लिरिकल बैलाड्स के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बायरन रोट द प्रेफेस ऑफ डॉन जुआन एज अ रिव्यू टू वर्ड्सवर्थ ऑन इंट्रोडक्शन टू। बायरन ने प्रेफेस लिखा डॉन जुआन, रिव्यू टू वर्ड्सवर्थ ऑन इंट्रोडक्शन टू, किसके इंट्रोडक्शन में? द थॉर्न, द प्रल्यूड, ओड एन इंटीमेशन, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें,
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा द थॉर्न। 12 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। निम्न में से कौन सा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ जी का नहीं है? माइकल नहीं है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नहीं है, इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग नहीं है, या फिर ऑप्शन डी द मेक क्वीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ जी का नहीं है? रिस्पॉन्स करिए, माइकल, या फिर ऑप्शन बी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, या ऑप्शन सी इट इज ए ब्यूटीफुल इवनिंग, या ऑप्शन डी द मे क्वीन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द मे क्वीन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का वर्क नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक इन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक को पब्लिश किया 1793 में, 1794 में, 1797 में, 1798 में। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक कब पब्लिश होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 1793। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक को 5 फरवरी में 1793 में पब्लिश करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 1798 में लिरिकल बैलाड्स आता है, लिरिकल बैलाड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। कॉलरिज जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के फ्रेंड थे, उनकी डेथ कब हुई? 1835, 1834, 1836, 1839। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड। कॉलरिज जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के फ्रेंड थे, उनकी जो डेथ हुई थी 1834 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स। किसने क्रिटिसाइज किया कि वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स? ये किसका स्टेटमेंट है, किसने क्रिटिसाइज किया? गेटे, अर्नाल्ड, एट्स, टी एस इलियट। 16 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, टी एस इलियट इज द राइट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है टी एस इलियट का है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, व्हेयर डू दीज लाइंस अपीयर। ए फेमस लाइन कहाँ पर अपीयर होती हैं? टू लूसी, टू मिलोंकली, टू ऑटम, और टू ड्यूटी। 17 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ये जो फेमस लाइन है लूसी पोएम की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्कर्न नॉट द सोनेट वाज पब्लिश्ड इन। स्कर्न नॉट द सोनेट
कब पब्लिश हुई? 1825, 1827, 1899, 1819। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? स्कारनाट सॉनेट को सॉनेट ऑन सॉनेट या सॉनेट अपॉन सॉनेट के नाम से भी जाना जाता है। सॉनेट ऑन सॉनेट, ओके, ध्यान रखिएगा। स्कारनाट सॉनेट को सॉनेट ऑन सॉनेट के नाम से भी जाना जाता है। कब पब्लिश हुई है सॉनेट? रिस्पॉन्स करिए, 1825, 1827, 1899 या फिर 1819। 18 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1827 में स्कारनाट सॉनेट पब्लिश हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। टू आई स्काईलार्क वाज रिटन इन 1825। टू आई स्काईलार्क जो पोएम है वर्ड्सवर्थ जी की, 1825 में कंपोज की गई, पब्लिश्ड इन, पब्लिकेशन डेट पूछा जा रहा है, पब्लिश कब हुई? 1827, 1826, 1835, 1842। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 19। टू आई स्काईलार्क पोएम 1825 में लिखी गई, पब्लिश हुई 1827 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1827। ध्यान रखिएगा, टू ए स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा टू द स्काईलार्क किसकी पोएम है। टू द स्काईलार्क, ओके, यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करें। टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है, टू द स्काईलार्क किसकी पोएम है, रिस्पॉन्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड वाज पब्लिश्ड इन 1807 एंड रिटन इन। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड 1807 में ये पब्लिश हुई, लिखी कब गई? 1800, 1798, 1802, 1805। रिस्पॉन्स करिए, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये सब टाइटल है डेफोडिल्स का। ओके, डेफोडिल्स पोएम का ये सब टाइटल है। डेफोडिल्स पोएम की स्टार्टिंग लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। 1807 में ये कंपोज होती है, पब्लिश होती है, 1802 में ये कंपोज की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये जो पोएम है 1802 में कंपोज की जाती है, 1807 में ये पब्लिश होती है। गॉट इट? डेफोडिल्स की ये स्टार्टिंग लाइन है, या फिर आप कह सकते हैं इसका सब टाइटल है डेफोडिल्स का, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन 1663 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसुल हु वाज। 1663 में मिल्टन जी ने एलिजाबेथ मिंसुल से शादी की, तो एलिजाबेथ मिंसुल के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? 10 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, जॉन मिल्टन से 10 वर्ष जो थी वो छोटी थी, या ऑप्शन बी 30 ईयर्स ओल्डर देन मिल्टन, मिल्टन से 30 वर्ष ओल्ड थी, या फिर ऑप्शन सी 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, या मिल्टन से 30 वर्ष छोटी थी, या फिर नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन जी ने 1663 में एलिजाबेथ मिंसुल से शादी की, एलिजाबेथ मिंसुल जो थी मिल्टन से 30 ईयर्स 30 वर्ष उनसे जूनियर थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, 21 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन। गॉट इट?
कब शादी की, ध्यान रखिएगा 1663 में। टोटल कितनी शादियां की मिल्टन ने, 3। फर्स्ट वाइफ मैरी पोवेल, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंशुल। गॉट इट। नेक्स्ट 22। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन, मिल्टन जी टोटली कब ब्लाइंड हो गए, 1650 में, 1651, 1652, 1653। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, जॉन मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड कब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ध्यान रखिएगा एज ऑफ 44, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में, 1652। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को रिस्पॉन्स करिए, हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्क्स, मिल्टन के वर्क में म्यूजिक किसने दिया, हेनरी लॉवेज ने दिया, डॉबरी ने दिया, माइकल एंजेलो ने दिया, राफेल ने दिया। 23 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स इमीडिएटली, मिल्टन जी के वर्क में म्यूजिक किस पोएट ने दिया, रिस्पॉन्स करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा मिल्टन जी जब टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं तो एंड्रयू मार्वेल इनकी हेल्प करते हैं पोएम को कंपोज करने में। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि मिल्टन जब टोटली ब्लाइंड होते हैं तो कौन सा पोएट इनकी हेल्प करता है पोएम को कंपोज करने में, तो राइट आंसर होगा एंड्रयू मार्वेल। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिल्टन जी के वर्क में म्यूजिक किसने दिया, तो हेनरी लॉवेज ने दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 23 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हेनरी लॉवेज ने मिल्टन जी के वर्क में म्यूजिक दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट 24। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, किस पीरियड को एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है, 1621 से लेकर के 1681, 1620 से लेकर के 1665, 1625 से लेकर के 1660, या फिर ऑप्शन डी 1628 से लेकर के 1655। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, किस एज को मिल्टन के एज के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ मिल्टन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1625 से लेकर के 1660 तक द एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 25। हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 25, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन मिल्टन जी का अनफिनिश्ड वर्क है ये। अनफिनिश्ड वर्क है जो 1670 में लिखा जाता है, 1670 में। ओके मिल्टन इज द राइट आंसर, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन मिल्टन जी का वर्क है, 1670 मिल्टन जी इसको कंपोज करते हैं। लिख आउट द इरर पार्ट इफ एनी, सेंटेंस में इरर पार्ट को फाइंड आउट करना है। 26। द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकेम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल, नो इरर। रिस्पॉन्स करिए, 26 का राइट आंसर क्या होगा, पार्ट ए इरर है, वीम इरर है, सीम इरर है, या फिर डी नो इरर है। 26।
द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकेम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, पार्ट बी में इधर है बी इज द राइट आंसर। क्या इधर है? यहाँ पर बिकेम नहीं होगा, बिकम होगा। ओके, ध्यान रखना, हैज हो या फिर हैव हो या फिर हैड हो या फिर हैविंग, हैविंग के बाद हैज, हैव, हैड, हैविंग के बाद वी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ पर बिकेम के स्थान पर बिकम यूज किया जाएगा। ओके, पार्ट बी मेरर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27, द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस ऑन ड्यूटी नो एरर। रिस्पॉन्स करिए, 27 का राइट आंसर क्या होगा? पार्ट ए में रहे, वी में रहे, सी में रहे या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, पार्ट सी में रहे, सी इज द राइट आंसर। ओके, विजिलेंस के स्थान पर विजिलेंट का प्रयोग होगा, विजिलेंट का प्रयोग होगा। ओके, पार्ट सी में रहे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28, अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन ईच टास्क नो एरर। रिस्पॉन्स करिए, पार्ट ए मिरर है, वी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 28। अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन ईज टास्क, ईजी वन है। रिस्पॉन्स करिए, 28 की बात करें, पार्ट सी में रहे, सी इज द राइट आंसर। क्या इधर है? यहाँ पर टास्क क्या है? नाउन है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईज नहीं होगा, एडजेक्टिव यूज होगा, ईजी। ओके, क्योंकि ईज क्या है? नाउन है, ईजी क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो नाउन की जो विशेषता बताएगा, ना कि नाउन बल्कि एडजेक्टिव। ओके, तो ईज के स्थान पर क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, पार्ट सी में रहे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को रिस्पॉन्स करिए, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शन नो एरर। 29 को रिस्पॉन्स करिए, पार्ट ए मिरर है, वी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 29। रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। क्या इधर है? एवरी वन के स्थान पर एवरी यूज किया जाएगा। ओके, एवरी वन का जो यूज होता है ओनली पर्सन के लिए होता है। एवरी वन का यूज ओनली पर्सन के लिए होता है। ओके,
ओनली पर्सन के लिए होता है, एवरी का यूज होता है थिंग्स के लिए भी होता है एंड पर्सन के लिए भी होता है। ओके तो पार्ट ए मेरर है एज द राइट आंसर। क्या एरर है? एवरी वन के स्थान पर एवरी यूज होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन लेड इनटू अ पॉपुलर अपराइजिंग ऑफ द मैसेस। नो एरर। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 30। पार्ट ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो पार्ट बी में रहे, बी इज द राइट आंसर। क्या एरर है? लीड। लीड के बाद टू यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन टू आएगा ना कि इन टू। ओके तो यहाँ पर इनटू के स्थान पर क्या हो जाएगा? टू। पार्ट बी मेरा रहे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 31 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31। इजीवन है, यहाँ पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी, तो इच के स्थान पर क्या यूज किया जाएगा? आर। ओके तो पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 32। रिलेटिंग टू द एयर, जो कान से संबंधित है, ओरल, नेजल, ओरल, रेनल। रिस्पॉन्स के लिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। रिलेटिंग टू द ईयर, जो कान से संबंधित है उसको ओरल बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेजल मींस होता है नाक से संबंधित। ओके ओरल मींस होता है मौखिक। गॉट इट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेनल मींस क्या होता है, रेनल किससे संबंधित है? ओरल हो गया ईयर से संबंधित, नेजल हो गया नाक से संबंधित, ओरल हो गया मौखिक, रेनल क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 32 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33। एबिलिटी टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज क्या हो जाएगा? डिलेरियस, डिजायरस, परसिवरेंस, परवेशिव। 33 को रिस्पॉन्स करिए। एबिलिटी टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, किसी भी कार्य में निरंतर लगे रहना या प्रयास करते रहना क्या कहलाएगा? परसिवरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 34। द फायरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सल्यूट आर अदरवाइज। रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? द फायरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ गन्स, एक साथ गन्स की फायरिंग होना एज ए सल्यूट आर अदरवाइज क्या हो जाएगा? रिसेप्शन, सल्यूशन, सल्यूटेशन, सेल्बो, गन सल्यूट। 34 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, सेल्बो इज द राइट आंसर। ओके
द फायरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सल्यूट आर अदरवाइज, क्या हो जाएगा? शैल्बो हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 35, मोर देन इज नीडेड आर वांटेड, जो आवश्यकता से ज़्यादा हो, क्या हो जाएगा? अबेंडेंट हो जाएगा, एडेक्ट हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा या फिर सुपरफ्लूअस हो जाएगा। रिस्पॉन्स करिए। थर्टी फाइव, मोर देन इज नीडेड आर वांटेड, जो आवश्यकता से ज़्यादा हो, ओके, उसको क्या बोलेंगे? प्रचुर बोलेंगे। अबेंडेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सफिशियंट मीन्स पर्याप्त होता है। ओके, सफिशियंट मीन्स क्या होता है? पर्याप्त, या फिर कह सकते हैं एनफ। ओके, सुपरफ्लूअस मीन्स होता है आवश्यकता से ज़्यादा, ओके, या बेकार, या फिर कह सकते सुपरफ्लूअस अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत ना हो, नीडलेस। आप क्या कह सकते हैं? नीडलेस, जिसकी ज़रूरत ना हो। ओके, 35 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अबेंडेंट। मोर देन इज नीडेड आर वांटेड, अबेंडेंट। ओके, नेक्स्ट 36 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ग्लूटन, कैनिबल। रिस्पॉन्स करिए। 36 का राइट आंसर क्या होगा? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ग्लूटन क्या हो जाएगा? ईट्स वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ग्लूटन, या फिर आप पेटू कह सकते हैं। ओके, हर्बीवोरस, ऐसा जीव जो वृक्षों के सहारे जीवित रहता है, पेड़ पौधों को खाता है, वृक्षों को खाता है, हर्बीवोरस कहलाता है। कार्निवोरस क्या हो जाएगा? वन हु ईट्स फ्लैश। ध्यान रखना, यहाँ पर डिफरेंस है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश होगा तो आंसर कैनिबल होगा, नरभक्षी होगा। वन हु ईट्स फ्लैश, ह्यूमन नहीं लगा रहेगा, तब आपका आंसर हो जाएगा मांसाहारी, कार्निवोरस। ओके, 36 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कैनिबल। नेक्स्ट 37, सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? अनथिंकिंग होगा, स्ट्रे होगा, डिस्पैरेगिंग होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 37 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी, 37 को रिस्पॉन्स करिए। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक। डिस्पैरेगिंग इज द राइट आंसर। 37 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 38, सिनोनिम ऑफ फैटल। फैटल का सिनोनिम क्या होगा? डेडली होगा, ट्रेवल होगा, पॉइजनस होगा, रॉन्ग होगा। 38 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो फैटल मीन्स होता है जानलेवा, या फिर आप कह सकते हैं घातक। ओके,
तो डेडली इज द राइट आंसर. फेटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेडली हो जाएगा. ओके, पॉइजनस मीन्स जहरीला. ओके, तो आप पॉइजनस में कंफ्यूज ना हो, राइट आंसर डेडली ही होगा. ओके, 39. सिनोनिम ऑफ एनिग्मेटिक. एनिग्मेटिक का सिनोनिम क्या होगा? डिसप्लीज्ड होगा, पजलिंग होगा, लर्नेड होगा, या फिर शॉर्ट साइटेड होगा. 39 को रिस्पॉन्स करिए. सिनोनिम ऑफ एनिग्मेटिक 39, डिसप्लीज्ड होगा, पजलिंग होगा, लर्नेड होगा, या फिर शॉर्ट साइटेड होगा. 39. क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एनिग्मेटिक मीन्स होता है रहस्यजनक. रहस्यजनक या फिर आप कह सकते हैं सीक्रेट. ओके, तो पजलिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एनिग्मेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पजलिंग हो जाएगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40, सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस. ड्यूबियस का सिनोनिम क्या होगा? डाउटफुल होगा, डिस्प्यूटेबल होगा, डुप्लीकेट होगा, या फिर डेंजरस होगा. क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस. ड्यूबियस मीन्स होता है डाउटफुल. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संकोच से भरा हुआ. संकोच से भरा हुआ. ओके, तो डिवियस मीन्स क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 41, सिनोनिम ऑफ ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्टिमिज्म होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा, रिमेम्बरेंस होगा, या फिर मेमोरी हो जाएगा. 41 को रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41, की बात करें तो ऑब्लिवियन मीन्स होता है विस्मृत. ओके, विस्मृत या फिर आप कह सकते हैं भूलना. भूलना, तो फॉरगेटफुलनेस इज द राइट आंसर. ऑब्लिवियन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा. रिमेम्बरेंस, मेमोरी इसका एंटोनिम हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम. ओके, 41 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 42, राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड. ये idiom है, एंड एक्स टू ग्राइंड, इसकी मीनिंग क्या होगी? हैज अ प्राइवेट एजेंडा, फेल्स टू अराउज इंटरेस्ट. ये ऑप्शन सी, हैज नो रिजल्ट. ये ऑप्शन डी, वर्क्स फॉर बोथ साइड्स. 42 को रिस्पॉन्स करें. राइट आंसर क्या होगा? राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स टू ग्राइंड की मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हैज अ प्राइवेट एजेंडा, निजी स्वार्थ होना. एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स क्या होता है? निजी स्वार्थ होना. ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. नेक्स्ट 43, माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड.
My sincere advice to my maid servant fell on stony ground. Fell on stony ground, इस idiom की मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए वाज काउंटर प्रोडक्टिव, या ऑप्शन बी हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, या ऑप्शन सी मेड वन स्टुबर्न, या ऑप्शन डी हैड लिटिल सक्सेस। रिस्पॉन्स करिए 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड मीन्स होता है हैड लिटिल सक्सेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड। स्टोनी ग्राउंड मीन्स हैड लिटिल सक्सेस। ओके 43 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44। ही इज डिवाइड डैश सेंस। डिवाइड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? टू फ्रॉम ऑफ नन। रिस्पॉन्स करिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, डिवाइड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 45। ही इज प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स। प्रोफिशिएंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? टू फ्रॉम इन फॉर। प्रोफिशिएंट टू मैथमेटिक्स, प्रोफिशिएंट फ्रॉम मैथमेटिक्स, प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, या फिर ऑप्शन डी प्रोफिशिएंट फॉर मैथमेटिक्स। राइट आंसर क्या होगा? 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स। वंस अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 46। मैन वांट्स बट लिटिल हेयर ब्लू। यहां पर लिटिल क्या है? मैन वांट्स बट लिटिल हेयर ब्लू। यहां पर जो लिटिल आया है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, इसका यूज क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। रिस्पॉन्स करिए 46 का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर जो लिटिल आया है एज अ नाउन आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, ही ईट्स वेरी लिटिल। यहाँ पर लिटिल क्या है? प्रीपोजिशन है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। रिस्पॉन्स करिए 47 का राइट आंसर क्या होगा? ही ईट्स वेरी लिटिल। वेरी यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। एक एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा? या तो फिर एडवर्ब को करेगा या फिर एडजेक्टिव को करेगा, तो यहाँ पर लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके 47 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। गॉट इट। नेक्स्ट 48। He wants more men like him. यहाँ पर more क्या है? प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर एडजेक्टिव है? रिस्पॉन्स करिए 48। इजीवन क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। यहाँ पर men क्या है? नाउन है। ओके ठीक, men के पहले आया है तो मोर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके
तो 48 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 49, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। यहाँ पर बोथ क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या फिर प्रेपोजिशन है? 49, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 49 का राइट आंसर क्या होगा? यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। यहाँ पर वेज क्या है, नाउन है, ठीक, नाउन के पहले आया है तो बोथ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ही इज लीविंग द USA फॉर गुड। ये idiom है, फॉर गुड मीन्स क्या होगा, परमानेंटली, टेम्परली, इमीडिएटली, अर्जेंटली। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? ही इज लीविंग द USA फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा हमेशा के लिए, तो परमानेंटली हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इथनेशिया, इथनेशिया की मीनिंग क्या होगी, मर्सी किलिंग, मर्डर, एसेसिनेशन, एट्रोसिटी। क्वेश्चन नंबर 51 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इथनेशिया। मीनिंग ऑफ इथनेशिया की बात करें तो इथनेशिया की मीनिंग हो जाएगी मर्सी किलिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मर्सी किलिंग इज कॉल्ड इथनेशिया। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 52, चेंज द वॉइस, हु टूक इट। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, हु टूक इट, चेंज इन टू पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 52, हु टूक इट। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाय होम वाज इट टेकन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, चेंज द नरेशन, माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए, ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? 53 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्लीज, सर, मैडम, काइंडली से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अ वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस, दिस एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल किसका है, अ वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस। ओनोमेटोपोया का है, सिनेकडकी का है, आयरनी का है या फिर पैराडॉक्स का है? रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? अ वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस, इस सेंटेंस में किस डिवाइस का यूज किया गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? 54, ओनोमेटोपोया है, सिनेकडकी है, आयरनी है, पैराडॉक्स है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, पैराडॉक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 55, ही डैश टू माय एडवाइस, यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा,
turned a blind eye, turned away from, turned a deaf ear, turned off over there. रिस्पॉन्स करिए, 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स इमिडिएटली 55. ही डैश टू माई एडवाइस, टर्नड अ ब्लाइंड आई, टर्नड अवे फ्रॉम, टर्नड अ डीफ ईयर, टर्नड ओवर द ईयर. रिस्पॉन्स करिए, 55 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. सी इज द राइट आंसर, टर्नड अ डीफ ईयर. नेक्स्ट 56. व्हिच सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब में है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है? 56 को रिस्पॉन्स करिए, कौन सा सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब में है? ही वॉज लुकिंग एट मी, या फिर ऑप्शन बी डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, या ऑप्शन सी ही हैज गॉन टू पटना, या ऑप्शन डी ही ट्रीटेड हर बैडली. ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है डायरेक्ट क्या लेती है? ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी. ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ही ट्रीटेड हर बैडली. ओके, ट्रीटेड क्या हो गया? वर्ब. हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है डायरेक्ट क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ओके, 56 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को रिस्पॉन्स करिए, चेंज नरेशन. ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए. ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? 57 क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट. 57 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा. ओके, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 58. क्विंटेसेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? क्विंटेसेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? 58 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? यह है क्विंटेसेंस. क्विंटेसेंस मीन्स होता है किसी भी वस्तु का सार. ओके, किसी भी वस्तु की सच्चाई या उसका बेस या उसका आधार क्विंटेसेंस कहलाता है. राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. QUINT, क्विंट इसेंस, ESSENCE, क्विंट इसेंस. ओके, मीनिंग क्या हो जाएगी? किसी भी वस्तु की वास्तविकता या फिर उसका सार. ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 59. सीजस करेज ऑन हिम ऑनर, द वर्ड ऑनर इज. सीजस करेज ऑन हिम ऑनर, तो यहाँ पर जो वर्ड है ऑनर, ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है? रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? सीजस करेज ऑन हिम ऑनर, यहाँ पर जो वर्ड आनर है एज आ नाउन आया है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, 59 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. उसी एलिमस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्वेश्चन नंबर 60 को रिस्पॉन्स करिए, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पुसी एलिमस.
उसी एलमस की मीनिंग की बात करें, इसकी मीनिंग होती है कावर्डली। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कायर। ओके, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी देख लीजिए, पी यू एस आई डबल एल ए एन आई एम एन आई एम ओ यू एस, पी यू एस आई डबल एल ए एन आई एम ओ यू एस, मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 60 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 61, ही इज नो मैच डैश मी इन बैटिंग, मैच के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इन टू विथ फॉर। 61 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, ही इज नो मैच मी इन बैटिंग, मैच के बाद प्रीपोजिशन फॉर यूज किया जाता है, मैच फॉर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 62, हंगर वाज द मोटिव डैश द मैंस क्राइम, मोटिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इन टू विथ फॉर। 62 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो मोटिव फॉर होता है, वंस अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हंगर वाज द मोटिव फॉर द मैंस क्राइम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 63, शी हैज अ लाइकिंग डैश डिटेक्टिव स्टोरीज, यहाँ पर लाइकिंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इन टू विथ फॉर। 63 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, शी हैज अ लाइकिंग डैश डिटेक्टिव स्टोरीज, लाइकिंग के बाद प्रीपोजिशन फॉर यूज किया जाता है, वंस अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, रिस्पॉन्स इमीडिएटली, 64 का राइट आंसर क्या होगा, देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर अ बुक डैश पोल्ट्री रीडिंग, यहाँ पर बुक के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इन आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा, फॉर आएगा। 64 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर अ बुक डैश पोल्ट्री रीडिंग, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 65, हाइड्रोकार्टिसोन की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोकार्टिसोन की राइट स्पेलिंग क्या होगी, 65 रिस्पॉन्स इमीडिएटली, ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा, हाइड्रोकार्टिसोन देख लीजिए, एच वाई डी आर ओ हाइड्रो सी ओ आर टी आई कार्टी सोन एस ओ एन ई, मैच कर लीजिए, एच वाई डी आर ओ हाइड्रो सी ओ आर टी आई कार्टी सोन एस ओ एन ई, मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए में डबल आर है, नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी में एच वाई डी आर ओ हाइड्रो सी ओ आर टी आई कार्टिसोन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 66, वन हु यूज बोथ हैंड इक्वली एम्बिगुअस एम्बिवेलेंट एम्बिडेक्ट्रस क्रूसेडर। 66 को रिस्पॉन्स करिए, ऐसा पर्सन जो अपने
बोथ हैंड को एक समान यूज कर लेता है, क्या कहलाता है? एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट, एम्बिडेक्ट्रस, क्रूसेडर। 66 एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट, जिसको समझना मुश्किल हो। ओके, 66 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एम्बिडेक्ट्रस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन हु यूज बोथ हैंड इक्वली इज कॉल्ड एम्बिडेक्ट्रस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 67, वन हु डिजर्ट्स ही रिलीजन, ऐसा पर्सन जो अपने धर्म को त्याग देता है, डिजर्टर कहलाता है। फनेटिक, अपोस्टेट, टर्न कोट। 67 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67, वन हु डिजर्ट्स ही रिलीजन इज कॉल्ड अपोस्टेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मर्डर ऑफ ए किंग, किंग के मर्डर को क्या कहा जाएगा? रेजिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। 68 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? मैट्रिसाइड क्या है? मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर। फ्रेट्रिसाइड क्या है? मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड मर्डर ऑफ ब्रदर, पैट्रिसाइड मर्डर ऑफ फादर। ओके, रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 68 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 69, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 69 रिस्पॉन्स इमीडिएटली, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। 69 को रिस्पॉन्स करिए, ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 69 क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ही क्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। 69 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, टीटोलर मींस, टीटोलर मींस क्या होता है? वन हु ड्रिंक्स ओनली टी, वन हु टेक्स एवरीथिंग, ये ऑप्शन सी, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, या ऑप्शन डी, वन हु इज सेलेक्टिव इन द मैटर ऑफ ड्रिंक्स। क्वेश्चन नंबर 70 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? टीटोलर मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो टीटोलर मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो किसी प्रकार की मदिरा को या वाइन को यूज नहीं करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ही हैज एब्सोल्युटली इन नो लीजर स्पोर्ट, ही हैज एब्सोल्युटली नो लेजर डैश स्पोर्ट, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? लेजर इन, लेजर टू, लेजर विथ, लेजर फॉर। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 71, 71 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फॉर, यहाँ पर फॉर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट हिज इंटीमेसी डैश दैट वुमेन ब्रॉट अबाउट हिज रुइन, यहाँ पर इंटीमेसी के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑफ, टू, विथ, फॉर। 72 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इंटीमेसी ऑफ, इंटीमेसी टू, इंटीमेसी विथ, इंटीमेसी फॉर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली।
क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इंटीमेसी विथ होता है, यहाँ पर विथ प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। ओके 72 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आवर कंट्री हैज कॉमर्शियल इंटरकोर्स डैश बांग्लादेश, इंटरकोर्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, ऑफ टू विथ इन। 73, आवर कंट्री हैज कॉमर्शियल इंटरकोर्स डैश बांग्लादेश, रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, यहां पर प्रेपोजिशन विथ यूज किया जाएगा, इंटरकोर्स विथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द अपोजिट ऑफ हाइपरबली, हाइपरबली के अपोजिट क्या होगा, मियोसिस होगा, इन्वर्जन होगा, एनाग्रोसिस होगा, सेनेकडकी होगा। 74 को रिस्पॉन्स करिए, अपोजिट ऑफ हाइपरबली, हाइपरबली मीन्स क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट। ओके 74 की बात करें तो हाइपरबली का अपोजिट क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, अंडर स्टेटमेंट, क्या कह सकते हैं आप लोग, अंडर स्टेटमेंट या फिर मियोसिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेवेंटी फाइव द करेक्ट स्पेलिंग डायरिया, डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 75। डायरिया की जो स्पेलिंग है टीजीटी एग्जाम 2021 में पूछी गई है, डायरिया की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 75 राइट स्पेलिंग क्या होगी देख लीजिए, डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए डायरिया, मैच कर लीजिए, डी आई ए डबल आर, ऑप्शन ए में डबल आर नहीं तो ऑप्शन ए नहीं होगा, डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए, आई ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए डायरिया। स्ट्रेस सिलेबल्स, अनस्ट्रेस सिलेबल्स, स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल या फिर डिफरेंट सिलेबल, 75 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 75। स्पॉन्डी में ओनली 2 फुट होते हैं, तो फ्रेंड्स स्पॉन्डी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है, तो ध्यान रखना स्पॉन्डी में 2 सिलेबल होते हैं, स्ट्रेस सिलेबल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके स्पॉन्डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पेरिक, पेरिक, स्पॉन्डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पेरिक हो जाएगा, ध्यान रखना है स्पॉन्डी में स्ट्रेस सिलेबल आएंगे, पेरिक में अनस्ट्रेस सिलेबल आएंगे। ओके तो 75 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 76, अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज नॉन एज, एक पॉज होता है लाइन में, उसको क्या कहते हैं, एन एक्रोस्टिक, एन एल्यूजन, एन एजोनेंस एंड या फिर आशिजोरा। 76 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज नोन एज शिजोरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 76 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिजोरा मीन्स क्या होता है, पॉज होता है, किसी भी लाइन में किसी भी वर्ड्स में ठहराव,
सिजौरा कहलाता है। नेक्स्ट 77। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द करेक्टर एल्बो, एल्बो नाम का करेक्टर विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में अपियर होता है? रिस्पॉन्स करिए, मेजर फॉर मेजर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, या फिर एज यू लाइक इट। 77 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द करेक्टर एल्बो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। ये न्यू क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्बो नाम का करेक्टर किस प्ले का है या किस प्ले में अपियर होता है? मेजर फॉर मेजर, टेमिंग ऑफ द श्रू, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, या फिर एज यू लाइक इट। 77 की बात करें तो एल्बो नाम का जो करेक्टर है मेजर फॉर मेजर में अपियर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेजर फॉर मेजर जो है डार्केस्ट डार्क कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी, ध्यान रखिएगा, मेजर फॉर मेजर जो है डार्क कॉमेडी के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, डार्क कॉमेडी में भी आएगी ये, और ये प्ले जो है सोम्बर प्ले के अंतर्गत भी आएगा, मेजर फॉर मेजर, ध्यान रखना, मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है और ये सोम्बर प्ले भी है। नेक्स्ट 78। लव इज आ डेविल, देयर इज नो विल, एंजल बट लव, दीज वर्ड्स अकर इन। लव इज आ डेविल, देयर इज नो एविल, एंजल बट लव, ये वर्ड्स कहाँ पर अपियर होते हैं? हेमलेट में, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, या फिर ट्वेल्थ नाइट। 78 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, वंस अगेन मेजर फॉर मेजर इज द राइट आंसर। ये जो लाइन है, लव इज अ डेविल, देयर इज नो एविल, एंजल बट लव, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये फेमस वर्ड है, फेमस लाइन है मेजर फॉर मेजर प्ले की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 79। व्हिच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर्स इन, देयर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस प्ले की या किस पोएम की ये लाइन है? द प्रल्यूड की है, लिरिकल बैलाड्स की है, माइकल की है, या फिर ऑप्शन डी द एस्कर्सन की। रिस्पॉन्स करिए, 79 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, देयर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव, ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के माइकल पोएम की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइकल कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, ध्यान रखना, पेस्टोरल पोएम है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश होता है। द प्रल्यूड का टाइटल मैरी हचिंसन ने दिया। द प्रल्यूड जो पोएम है ये कॉलरिज को डेडिकेट है। ओके, क्योंकि जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने इस पोएम को कंपोज किया था तो सिंपली इसको पोएम टू कॉलरिज कहा था। ओके, लिरिकल बैलाड्स जो हैं आप सभी लोग जानते हैं, लिरिकल बैलाड्स 1798 में अपियर होते हैं, 1798 में। इस्कर्सन में टोटल 9 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा, इस्कर्सन में टोटल कितनी बुक्स हैं? 9 बुक्स हैं। ओके,
79 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर माइकल। दियर इज अ कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव, ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के माइकल पोएम की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच वे आई फ्लाई इज हेल, माई सेल्फ आई एम हेल एंड इन द लोवेस्ट डीप आर लोअर डीप हु स्पीक्स दीज लाइन्स इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में इन लाइनों को कौन बोलता है, लुसिफर बोलता है, सैटन बोलता है, एडम बोलता है या फिर बेलजबब बोलता है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, व्हिच वे आई फ्लाई इज हेल, माई सेल्फ एम हेल एंड इन द लोवेस्ट डीप आर लोअर डीप। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो नन अदर देन सैटन, इस लाइन को सैटन ही अटर करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का एपिक है जो 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ, फाइनली 1674 में पब्लिश होता है 12 बुक्स के साथ। ओके, मिल्टन जी इसको 1658 के आसपास लिखना इसको प्रारंभ करते हैं। ओके, बुक नंबर जो 9 है लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इफ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। मिल्टन के विषय में ये स्टेटमेंट किसने दिया, हचिंसन ने दिया, सैड्सबरी ने दिया, टीएस इलियट ने दिया या फिर डॉक्टर जॉनसन ने दिया, रिस्पॉन्स करिए। 81 का राइट आंसर क्या होगा, इफ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, ये जो स्टेटमेंट है मिल्टन की विषय में हचिंसन ने दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 81 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 82, वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड, जो मैन काइंड से नफरत करता है क्या कहलाता है, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इंट्रोवर्ट, मिसेंथ्रोप। 82 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो वन हु हेट्स मैन काइंड, वन हु हेट्स मैन काइंड, मिसेंथ्रोप इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वन हु लव्स मैन काइंड, वन हु लव्स मैन काइंड, तो आंसर क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मींस क्या होता है, ह्यूमन लवर। मिसेंथ्रोप मींस क्या होता है, ह्यूमन हेटर। 82 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 83, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीबल टू मी, द एबव सेंटेंस कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ। एबव सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, इन्यूमरेशन का है, लेटोटीज का है, एनाफोरा का है या फिर मिटोनमी का है। 83 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिसएग्रीबल, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो फ्रेंड्स
लैटिट्यूड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 83 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ इमोर्टेलिटी ओड एंड इररेगुलर ओड, पिंडारिक ओड, स्टेंजा कंटेंस। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो ओड है इमोर्टेलिटी ओड, कैसा ओड है? इररेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है। ये जो ओड है 1807 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कलेक्शन आता है पोएम का, पोएम इन टू वॉल्यूम्स में अपीयर होता है। फ्रेंड्स इमोर्टेलिटी ओड में कितने स्टेंजा हैं? रिस्पॉन्स करिए, 7, 11, 5, 14। 84 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमोर्टेलिटी ओड जो है इररेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में पब्लिश होता है, टोटल इसमें 11 स्टेंजा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 84 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 85 क्वेश्चन नंबर 85 को रिस्पॉन्स करिए, द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन डू टेक अ सोबर कलरिंग एंड आई दीज लाइन्स अपीयर इन। ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम की है? इमोर्टेलिटी ओड की है, टिंटरनवे की है, द रेनबो की है, या फिर ऑप्शन डी द माइकल की है? रिस्पॉन्स करिए। 85 क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन डू टेक अ सोबर कलरिंग एंड आई, ये जो फेमस लाइन है नन अदर देन इमोर्टेलिटी ओड। इमोर्टेलिटी ओड की लाइन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है इमोर्टेलिटी ओड इररेगुलर ओड है और पिंडारिक ओड है, टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं। नेक्स्ट 86, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ जी को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा? चार्ल्स लैम ने कहा, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा, जॉन कीट्स ने कहा, टीएस एलियट ने कहा? रिस्पॉन्स करिए। 86 क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ जी को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फॉल ऑफ सैटर्न इज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर डेज, 9 days, 6 days, 7 days, 5 days। 87 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87, द फॉल ऑफ सैटर्न इज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर 9 days, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 87 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइन्स हैं ये किसका गुड एग्जाम्पल हैं? हेरोइक कपलेट का, मिल्टोनिक इन्वर्जन का, स्प्रंग रिदम का, या फिर हाइपरवली का? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइन है ये किसका एग्जाम्पल है? मिल्टोनिक इन्वर्जन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 88 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्प्रंग रिदम के लिए जीएम हॉपकिंस को आप लोग जानते हैं, जीएम हॉपकिंस। ओके, जीएम हॉपकिंस। नेक्स्ट, हेरोइक कपलेट के लिए जेफरी चाउसर।
ईशाबेल एंड ल्यूक आर द करेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम। ईशाबेल और ल्यूक वर्ड्सवर्थ जी के किस पोएम के करेक्टर हैं? टिंटरनवे के हैं, इमोर्टलिटी वोड के हैं, द प्रल्यूड के हैं या फिर माइकल के? रिस्पॉन्स करिए। 89 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान रखना, ईशाबेल, ईशाबेल एंड ल्यूक। ईशाबेल की आयु 60 वर्ष, ल्यूक की आयु 18 वर्ष, ओके। माइकल की आयु 80 इयर्स। तो फ्रेंड्स, ईशाबेल जो है माइकल की वाइफ है, ल्यूक सन है जिसकी आयु 18 वर्ष है। ईशाबेल एंड ल्यूक जो करेक्टर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी के माइकल पोएम के हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हु सेड मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन, मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। टी एस इलियट का स्टेटमेंट है, कैम्पटन रिकेट का स्टेटमेंट है, जॉन वेली का स्टेटमेंट है या ऑप्शन डी आई ए रिचर्ड का स्टेटमेंट है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, जॉन वेली का स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, द करेक्ट स्पेलिंग इज, फार्मास्यूटिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान रखिएगा, पी एच ए आर एम ए फार्मा सी ई यू टी आई सी ए एल, फार्मास्यूटिकल। ध्यान रखना, पी एच ए आर एम ए फार्मा सी ई यू टी आई सी ए एल, फार्मास्यूटिकल। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फार्मास्यूटिकल की ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। पी एच ए आर एम ए फार्मा सी ई यू टी आई सी ए एल, फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? नरेशन से क्वेश्चन है, जॉन सेड टू मी व्हेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 92, जॉन सेड टू मी व्हेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है इंट्रागेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब शेड को आस्केड में चेंज किया जाएगा, ओके। इंट्रागेटिव सेंटेंस का रोल होता है रिपोर्टिंग वर्ब शेड को आस्केड या फिर इंक्वायरेड ऑफ में चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो ध्यान रखना है, हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में, ओके। हैव बीन चेंज होगा हैड बीन में। 92 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉन आस्क्ड मी व्हेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। हैव बीन चेंज हो गया हैड बीन में, व्हेयर जो है यहाँ पर कंजक्शन का कार्य कर रहा है, ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 93, क्वेश्चन नंबर 93 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दे सॉ हिम
क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए 93। क्वेश्चन नंबर 93, दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ध्यान रखना है, ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस जो टेंस है पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हिम है ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो हो जाएगा ही वॉज। शा का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा सीन, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर। मैच कर लीजिए, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 93 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस में रूल होता है। यह सेंटेंस इनडेफिनिट टेंस में है तो कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस में वर्ब यूज की जाती है। ओके, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर इनडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो 93 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 94, क्वेश्चन नंबर 94 को रिस्पॉन्स करिए। द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स, पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। द सर्जन ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर ऑप्शन डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना है ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस है, पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब यूज की जाएगी। तो फ्रेंड्स सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज ऑपरेटेड। ओके, ही वॉज ऑपरेटेड फॉर नियरली 10 आवर्स। ओके, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो इज नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, बिल भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, इज नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ही वॉज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स। ओके, ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन को रिमूव नहीं करते हैं, प्रेपोजिशन जहाँ पर आता है वहीं पर रहेगा। ओके, तो ही वॉज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स। 94 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 95, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड। इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 95 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 95, स्पेयर द रॉड एंड स्पेल द चाइल्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो 95 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 95 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 96, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्लोरोफिल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 96 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ क्लोरोफिल, रिस्पॉन्स करिए। क्लोरोफिल की राइट स्पेलिंग क्या होगी?
CHLORO क्लोरो, प्लस इसी में कर देना फिल, PHYRR क्लोरोफिल, मैच कर लीजिए CHLORO PHYRR, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 96 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, CHLORO PHYRR क्लोरोफिल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 97, शी स्लेप्ट साउंडली। फ्रेंड्स यहाँ पर स्लेप्ट कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, या फिर वर्ब ऑफ कंप्लीट है, रिस्पॉन्स करिए। 97 का राइट आंसर क्या होगा, शी स्लेप्ट साउंडली। यहाँ पर स्लेप्ट किस प्रकार की वर्ब है, रिस्पॉन्स करिए। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक कहा जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्ट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रांजिटिव वर्ब को अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो 97 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेलेक्ट जो है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 98, क्वेश्चन नंबर 98 को रिस्पॉन्स करिए। अ वुमेन ऑफ लैक्स मॉरल इज कॉल्ड, रिस्पॉन्स करिए, प्रोस्टिट्यूट, हेरोल्ड, कंक्यूबाइन, हॉस्टेस, रिस्पॉन्स करिए। 98 का राइट आंसर क्या होगा, अ वुमेन ऑफ लैक्स मॉरल इज कॉल्ड, प्रोस्टिट्यूट, हेरोल्ड, कंक्यूबाइन या फिर हॉस्टेस। 98 की बात करें तो हेरोल्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट होगा। अ वुमेन ऑफ लैक्स मॉरल इज कॉल्ड हेरोल्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 99, ही ऑफेन बाथ्स इन द इवनिंग। फ्रेंड्स ऑफेन यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है, रिस्पॉन्स करिए। 99 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 99, ही ऑफेन बाथ्स इन द इवनिंग। यहाँ पर ऑफेन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, रिस्पॉन्स करिए। 99 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, ही ऑफेन बाथ्स इन द इवनिंग। यहाँ पर जो ऑफेन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 99 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, क्या होगा, कोर्टशिप होगा, एग्रीमेंट होगा, सफीना होगा, या फिर कमांड होगा, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, यहाँ पर फोकस करिए, टू अटेंड अ कोर्ट क्या होगा, कोर्टशिप, एग्रीमेंट, सफीना, कमांड, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट इज कॉल्ड सफीना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग मिलेनियर, मिलेनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी,
रिस्पॉन्स इमिडिएटली, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिलेनियर। मिलियन, ध्यान रखना है आप सभी लोग मिलियन की इंग्लिश जानते हैं, या माई डबल एल आई ओ एन, मिलियन। मिलेनियर में क्या करेंगे, मिलियन की इंग्लिश में ए आई आर ए लगा देंगे, ओके, मिलेनियर हो जाएगा। मिलियन में क्या करना है, ए आई आर ई, मिलेनियर, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। 101 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है मिलियन में सिंपल सी स्पेलिंग ध्यान रखना है, मिलियन, एम आई डबल एल आई ओ एन, मिलियन। मिलियन में कर देना है ए आई आर ई, मिलेनियर, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, कैरियर की रॉन्ग है, क्रिएटर की रॉन्ग है, सेंटर की रॉन्ग है, या फिर कैरियर की रॉन्ग, रिस्पॉन्स करिए। 102 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। कैरियर की स्पेलिंग करेक्ट है, क्रिएटर की स्पेलिंग करेक्ट है, कैरियर की स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग में मिस्टेक है फ्रेंड्स, सेंटर की स्पेलिंग ये नहीं होगी, ओके। ये जो स्पेलिंग है ये अमेरिकन है, बट आप लोगों को ब्रिटेन इंग्लिश को फॉलो करना है, ध्यान रखना है स्पेलिंग एरर में आप लोगों को ब्रिटेन इंग्लिश को ही फॉलो करना है। ये जो इंग्लिश है अमेरिकन है, ध्यान रखना है सेंटर, सी ई एन टी आर ई, सेंटर, सेंटर की करेक्ट स्पेलिंग होगी सी ई एन टी आर ई, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेंटर की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है, सी ई एन टी ई आर नहीं होगा, बल्कि सी ई एन टी आर ई होगा, ओके। नेक्स्ट, 103, द प्लूरल फॉर हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा, हैंडफुल्स होगा, हैंडफुल्स होगा, हैंड्सफुल होगा, या फिर हैंड्स फुल्स होगा, रिस्पॉन्स करिए। 103 का राइट आंसर क्या होगा, वन जीरो थ्री, वन जीरो थ्री की बात करें तो हैंडफुल मींस होता है मुट्ठी भर, तो फ्रेंड्स इसका जो प्लूरल हो जाएगा हैंडफुल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। ध्यान रखना है एच ए एन डी हैंड, एफ यू एल एस, हैंडफुल्स, ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वोमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, वन जीरो फोर को रिस्पॉन्स करिए। द बॉय सेड एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 104। द बॉय सेड एलास आई हैव लॉस्ट द मैच, रिस्पॉन्स इमीडिएटली, 104। आप सभी लोग जानते हैं कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, ही, ओके। हैव चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ओके, तो यहाँ पर हैव का क्या हो जाएगा, हैड। देख लीजिए किस सेंटेंस में हैड यूज हुआ है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी में नहीं, तो ऑप्शन बी हट जाएगा, ऑप्शन डी में नहीं है, यहाँ पर हैव का हैव ही रखा गया, इसलिए ऑप्शन डी भी हट जाएगा। अब रिस्पॉन्स करिए कि ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इजी वन हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर सेड नहीं होगा बल्कि एलास है, अफसोस की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द बॉय क्लाइमेड रिग्रेटफुली That he had lost the match, ध्यान रखना है एलास लगा हुआ है,
इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेट को इस क्लाइमेट रिग्रेटफुली में चेंज किया गया है, कंजक्शन दैट आ गया। आई फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन है, फार्मूला याद रखना, सन बटा 123, सन बटा 123, यानी फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो बॉयज के अनुसार चेंज होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, ही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैव चेंज हो जाएगा हैड में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, वन जीरो फाइव। वी मस्ट ईट आर वी कैन नॉट लिव, सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करिए। क्वेश्चन नंबर 105 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? वी मस्ट ईट आर वी कैन नॉट लिव, इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वी मस्ट ईट टू लिव। ओके, ये जो है सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 106। माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 106। माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। राइट आंसर क्या होगा? 106। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो फ्रेंड्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू लुक अहेड। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वन जीरो सेवन, ट्रांसफॉर्म इंटू नेगेटिव सेंटेंस। एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड, इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। 107 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 107। एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड, नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन फ्लेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, जब भी नो सूनर का सेंटेंस आता है, नो सूनर का कंस्ट्रक्शन होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंजक्शन देन आएगा, नो सूनर से सेंटेंस प्रारंभ होगा तो इन्वर्जन का भी प्रयोग होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, ट्रांसफॉर्म इंटू इंट्रागेटिव सेंटेंस। एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, इसको इंट्रागेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 108, 108 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, 109।
109 को रिस्पॉन्स करिए. ही शेड विल यू लिसन टू सच अ मैन. इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए. ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 109. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है. रिपोर्टिंग वर्ब शेड को आस्क में चेंज किया जाएगा कंजक्शन के रूप में, इफ या वेदर यूज होगा. ओके, इफ या वेदर यूज होगा. तो फ्रेंड ध्यान रखना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब शेड को आस्क्ड या फिर इंक्वायरेड ऑफ में चेंज किया जाता है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है या मॉडल वर्ब से प्रारंभ है तो कंजक्शन के रूप में या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो फ्रेंड्स विल चेंज हो जाएगा वुड में. ओके, ऑप्शन ए में विल है नहीं होगा, ऑप्शन बी में आर है नहीं होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी में भी विल है जो कि गलत है. ओके, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए. फाइंड आउट द एरर पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिए गए सेंटेंस में एरर पार्ट को फाइंड आउट करना है. इफ एनी द टीचर वाज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ अ 100 स्टूडेंट. नो एरर. क्वेश्चन नंबर 110 को रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर क्या होगा? पार्ट ए में एरर है, वी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 110. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर पार्ट सी में एरर है. सी इज़ द राइट आंसर. क्या एरर है? कंप्राइज, सी ओ एम पी आर आई एस ई, कंप्रीट के साथ कभी भी आप का यूज नहीं होता है. यहाँ पर जो आप है सुपरफ्लूअस है, यहाँ से आप लोगों को आप रिमूव करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि कंप्रेज मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ होता है, लेकिन कंप्राइजेस के साथ आपका यूज नहीं होता है. ओके, तो पार्ट सी में एरर है. सी इज द राइट आंसर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट 111 को रिस्पॉन्स करिए. किस पार्ट में एरर है? देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ प्रिसाइज विथ रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. नो एरर. रिस्पॉन्स करिए. पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 111. राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में एरर है. बी इज द राइट आंसर. क्या एरर है? यहाँ विथ के स्थान पर जो प्रेपोजिशन विथ है, इस विथ के स्थान पर प्रेपोजिशन इन यूज होगा. ओके, इन रिलेशन ध्यान रखना है, इन रिलेशन टू, ऐसा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है. ओके, तो विथ के स्थान पर इन का यूज होगा. तो पार्ट बी में एरर है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट रिस्पॉन्स करिए. किस पार्ट में एरर है?
हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक अ टैक्सी नो एरर। किस पार्ट मिरर है? पार्ट ए मिरर है, वी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर क्या होगा? Had I realized your house was such a long way off, I would take a taxi. क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो पार्ट सी मिरर है, सी इज द राइट आंसर। ओके, आई वुड टेक के स्थान पर क्या हो जाएगा? वुड हैव टेकन। क्या होगा? वुड हैव टेकन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हैड लगा हुआ है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। तो वुड टेक के स्थान पर क्या हो जाएगा? वुड हैव टेकन हो जाएगा। ओके, वुड हैव टेकन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन थर्टीन को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट मिरर है? पार्ट ए मिरर है, वी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस स्कार्सली या रेयरली से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन का यूज होगा। यहाँ पर पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, यह सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट है, स्कार्सली से स्टार्ट है, बिफोर से स्टार्ट है, तो ध्यान रखना है इन्वर्जन यूज होगा। इन्वर्जन क्या होता है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो हैड है वी के पहले आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? स्कार्सली स्कार्सली हैड वी। ओके, पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, जब भी स्कार्सली या स्कार्सली से सेंटेंस प्रारंभ होगा तो फ्रेंड कंजक्शन के रूप में या तो व्हेन आएगा या फिर बिफोर आएगा। ओके, नेक्स्ट 114 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? किस पार्ट मिरर है? व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ, नो एरर। पार्ट ए मिरर है, वी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 114 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जो व्हेन वाला क्लॉज है इसमें विल नहीं रहेगा, यहाँ से जो विल है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर, यहाँ से विल रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 115, चूज ओनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, वी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर क्या होगा? किस पार्ट मिरर है?
इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेंटेंस में सच लगा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं सच के बाद कंजक्शन आ जाएगा ना कि दैट, तो पार्ट बी मेरा रहे, बी इज द राइट आंसर, दैट के स्थान पर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है सच के बाद जो कंजक्शन आएगा एज ही आएगा ना कि दैट, तो पार्ट बी मेरा रहे, बी इज द राइट आंसर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, वन सिक्सटीन, नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन, नो एरर, पार्ट ए मेरा रहे, वी मेरा रहे, सी मेरा रहे या फिर डी नो एरर है, रिस्पॉन्स करिए किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 116, ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस नो सूनर, नो सूनर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन का यूज होगा। इन्वर्जन क्या होता है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का होना इन्वर्जन कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। जब भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना है नो सूनर के बाद या तो हैड आएगा, हैड के बाद क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर नो सूनर के बाद डिड भी आ सकती है, डिड के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है जब यहाँ पर हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जब यहाँ पर डिड आएगी तो यहाँ पर वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। ओके, जब भी नो सूनर से सेंटेंस प्रारंभ होगा कंजक्शन के रूप में देन आएगा, क्या आएगा, देन ही आएगा। ध्यान रखना है एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी एग्जाम में देन के स्थान पर देन मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, देन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, देन आएगा कंजक्शन के रूप में, टी एच ए एन, देन। ओके, नेक्स्ट 117, रिस्पॉन्स करिए किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 117 इजी वन है, रिस्पॉन्स करिए किस पार्ट में एरर है, रिस्पॉन्स करिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें तो फ्रेंड्स वंस अगेन पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर, क्या एरर है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका जॉगिंग क्लॉथ्स है, क्या है, जॉगिंग क्लॉथ्स है, जब यहाँ पर क्लॉथ्स है तो यहाँ पर इज नहीं होगा, इज के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर। ओके, तो पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, तो यहाँ पर क्लॉथ जो है प्लूरल है तो यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि आर आएगा। ओके, वन एट्टीन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, 118 को रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 118, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो ऑप्शन डी जो है एक करेक्ट सेंटेंस है, इट वाज बिटरली कोल्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, शोबेनायर की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स करिए शोबेनायर। शोबेनायर मीन्स होता है स्मृति चिन्ह, तो फ्रेंड्स
रिस्पॉन्स करिए राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखना है एस ओ यू वी ई, ओके एन आई आर शोबेनायर, एस ओ यू वी ई एन आई आर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 119 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ इशोटेरिक, इशोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सिंपल होगा, अपेरेंट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 120 का राइट आंसर क्या होगा? इशोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर इशोटेरिक का एंटोनिम हो जाएगा अपेरेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 121, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 121, रिस्पॉन्स करिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ध्यान रखना है कीप की थर्ड फॉर्म लगेगी तो हो जाएगा केप्ट। क्या हो जाएगा? केप्ट। देख लीजिए किस किस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट आई है। ऑप्शन ए में है, नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में है, नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 121 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ प्रोमिस शुड बी केप्ट, ए सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 122, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। दे मे फिनिश द वर्क सून, दे मे फिनिश द वर्क सून, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 122, 122 का राइट आंसर क्या होगा? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ध्यान रखना है मे आया है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? मे वी, क्या हो जाएगा? मे वी। फाइंड आउट कर लीजिए। ऑप्शन ए में ओके है, माइट नहीं होगा। मे का माइट नरेशन में होता, ध्यान रखना। मे का माइट कहाँ होगा? नरेशन में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। ओके मे चेंज हो जाएगा माइट में। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में मे का माइट नहीं होगा तो ऑप्शन बी राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी माइट है, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 122 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रेंड्स ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट 123, क्लूज अवेलेबल एट द सीन, क्लूज अवेलेबल एट द सीन क्या हो जाएगा? हिंट, कंडीशनल, सर्कमस्टेंशियल या फिर विजन। 123 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो सर्कमस्टेंशियल इज द राइट आंसर। क्लूज अवेलेबल एट द सीन इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 124, क्वेश्चन टैग को इम्प्रूवमेंट करना है, ध्यान रखना। आर, आर नॉट दे को इम्प्रूवमेंट करना है।
These are your new shoes. ओके यहां पर क्या होगा? Aren't they के स्थान पर क्या होगा? Isn't it होगा, is it so होगा, या are they होगा, या फिर no improvement required? Response करिए. फ्रेंड्स ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दे आया है सूज के लिए आया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे बिल्कुल ओके है, दे के साथ आर भी लगेगा, ये भी ओके है, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई इरर नहीं है या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है. दीज आर योर न्यू शूज, आरंट दे, सेंटेंस ओके है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है. नेक्स्ट, ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज. इनडायरेक्ट में इसको चेंज करिए. ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज. ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. चेंज करिए इनडायरेक्ट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में टोल्ड नहीं लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में चेंज नहीं होगी. इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस के भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आज के रिक्वेस्टेड, फॉरबेस, सजेस्टेड में चेंज किया जाता है. तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स यहाँ पर जो नॉट यूज होगा, टू के पहले नॉट यूज होगा. ओके तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें. फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें. माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें. थैंक यू वेरी मच.